तो हे गाइस, कैसा लगा आज का ये मैजिक ट्रिक्स? तो हमने बहुत अच्छे तरीके से इसको दिखाने की कोशिश किया, बट मुझे पता नहीं है कैसा किया हमने, बट आप लोग बता सकते हैं प्लीज कमेंट करके बताना। तो चलिए अब मैं आपको सिखाऊंगा इस ट्रिक को, यानी कि इस परफॉर्मेंस को आपको कैसे करना है, किस तरीके से प्रैक्टिस करने से आप इस मैजिक को बहुत अच्छे तरीके से दिखा सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और गाइस प्लीज कमेंट नहीं किया तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये ट्रिक्स कैसा लगा। और साथ साथ चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल जरूर कर लेना, ताकि हर एक मैजिक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। तो गाइस, इस मैजिक को करने के लिए चाहिए आपको एक कार्ड्स और एक कॉइन की जरूरत पड़ेगा। आप किसी भी कॉइन से कर सकते हैं या किसी भी कार्ड के साथ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको एक मूव सीखना पड़ेगा, वो है कार्ड को हाथ में छुपाने का। ओके, तो सबसे पहले आप जिस हाथ से करना चाहते हैं, राइट लेफ्ट आपका मर्जी, कौन हाथ से करेंगे। तो जैसे कि मैं क्या था राइट हैंड से, तो मैं राइट हैंड से आपको सिखा रहा हूँ किस तरीके से इसको करना है। तो सबसे पहले आपको पकड़ना है कार्ड को छुपाने के लिए, आपको मिडिल फिंगर और जो थंब है इसकी आपको जरूरत पड़ेगा। तो सबसे पहले आप इस दोनों उंगली से अच्छे तरीके से पकड़ लीजिए। अभी सिर्फ कार्ड को छुपाना मैं सिखा रहा हूँ, कॉइन को बाद में मैं सिखा रहा हूँ। तो मिडिल फिंगर और आपका जो थंब है इससे पकड़ने के बाद आपको मिडिल फिंगर के माध्यम से कार्ड को धीरे धीरे हाथ के बीच में लेकर आना पड़ेगा। जैसे दिस इज कुछ इस तरीके से, मिडिल फिंगर के साथ साथ आपको कार्ड को लेकर आना है और थंब के माध्यम से लेकर आना है। ठीक है, अच्छे तरीके देख लीजिए। इस मिडिल फिंगर के माध्यम से कार्ड को आपको स्लोली स्लोली हाथ के अंदर लेके आना है और थंब के यहाँ पर लेके आना है, और फिर थंब से आपको इस तरीके से थोड़ा सा थंब को टेढ़ा करके आपको कार्ड को पकड़ लेना है। तो ये आपको सबसे पहले प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं अच्छी तरीके से बता रहा हूँ, मिडिल फिंगर और थंब के माध्यम से आपको कार्ड को पकड़ना पड़ेगा, और फिर मिडिल फिंगर के माध्यम से आपको कार्ड को धीरे धीरे स्लोली स्लोली आपको प्रैक्टिस करने के लिए धीरे धीरे कार्ड को आपको हाथ के अंदर लेके आना पड़ेगा, और ले आने के बाद आपको थंब के माध्यम से इसको टेढ़ा करके थोड़ा सा पकड़ लेना पड़ेगा। ओके, सो ये आपको सबसे पहले प्रैक्टिस करना पड़ता है। जैसे कि मैं क्या था वीडियो में आपने देखा होगा कुछ ऐसे, ओके, जस्ट कुछ इस तरीके से। तो देखने में लगता है कि कार्ड वैनिश हो गया, बिल्कुल ऐसा नहीं होता, कार्ड जो है हमारे हाथ के बीच में होता है। तो ये आपको जब करेंगे, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे तरीके से आ जाएगा। ओके, तो ये आपको सबसे पहले अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेना पड़ेगा। और फिर आपको कॉइन के साथ कैसे करना है, तो कॉइन के साथ करने के लिए आपको जो करना है वो है सेम आइडिया, बट आपको कॉइन को सबसे पहले पीछे रखना पड़ता है, कार्ड के पीछे। ओके, यहाँ पर टॉप में रखना पड़ता है और आपको कुछ इस तरह से पकड़ना पड़ता है। इस बार आपको ये फिंगर की भी जरूरत पड़ेगा, मिडिल फिंगर तो रहेगा ही रहेगा। मिडिल फिंगर क्या काम करेगा ना, कार्ड को हाथ के बीच में ले आने का काम करेगा, जैसे हमने दिखाया। और ये जो फिंगर है और हमारा जो थंब है, ये पकड़ के रखेगा कॉइन को। तो जस्ट कुछ इस तरह रखने के बाद आपको सेम चीज़ करना है, आपको फिर से कार्ड को स्लोली स्लोली जो है कॉइन से आपको निकाल के हाथ के बीच में लेके आना पड़ेगा। कुछ ऐसे देखिए, सेम टू सेम आ रहा है, सिर्फ कॉइन हमारे एक्स्ट्रा है हमारे हाथ में। ओके, तो कुछ ऐसे आपको फिर से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ओके, तो जब आप कार्ड को हाथ के अंदर छुपाना प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये कॉइन भी आपके हाथ में बहुत ही आसान तरीके से रह जाएगा। तो मैं क्या कर रहा था ना, कॉइन को कुछ इस तरीके से कार्ड के पीछे लेने के बाद, जब हाथ को यहाँ पर लेके आ रहा था, तब मैं हाथ को ले आने के बाद मैं कार्ड को स्लोली स्लोली इस तरीके से हाथ के बीच में ले गया और दिखाया मैजिक से कार्ड से कॉइन बन गया। तो ऐसे आपको करना पड़ता है। तो आपको मैं अच्छे तरीके से और एक बार दिखा रहा हूँ, जस्ट ऐसे, जस्ट 1, 2 and 3 मैजिक। तो देखने में लग रहा है कि कार्ड से कॉइन बन गया गाइस। तो ये आपको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और गाइस, और एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि जब भी आप इस तरीके से मैजिक को करेंगे, थोड़ा बहुत आपको टाइम लगेगा प्रैक्टिस करने में, क्योंकि ये थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। तो जब इस तरीके से करेंगे तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कार्ड तो कुछ ऐसा नीचे से बाहर तो नहीं हो रहा है, ऊपर से टॉप से तो नहीं दिख पा रहा है। तो आपको बिल्कुल बीचों बीच आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और जैसे कि आपने एक वीडियो में देखा होगा कि जब मैं कॉइन को इस तरीके से बाहर किया और कार्ड को वैनिश किया, फिर मैं दिखाया कि ये हाथ बिल्कुल खाली। तो ये कैसे किया, तो इस टाइम पर मैं क्या किया था, अपनी जो चेस्ट है उसके साइड में इसको हमने टच कर लिया था। ओके, आपको देखने को मिल रहा होगा। तो ये हमने यहाँ पर टच करके लगा दिया था और यहाँ पर कुछ इस तरीके से मैं दिखा रहा था कि मेरे पास कार्ड नहीं है, सिर्फ कॉइन है। ओके, तो कार्ड जो है हमारा यहाँ पर था। ओके, और फिर कॉइन को अच्छे से दिखाने के बाद जब मैं कॉइन को हाथ में लिया, तो फिर हम जो है इस थंब के माध्यम से कार्ड को फिर से पकड़ लिया। तो इस तरीके से पकड़ने के बाद मैं फिर से कार्ड को उठा के ले आया, और उठा के ले आने के बाद ऐसे फिर से हमने दिखाया कॉइन से कार्ड बनाया। तो ये बहुत ही इजी और कूल है, आप बहुत आसान तरीके से इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। और एक बार अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर पाते हैं तो गाइस मैं गारंटी देता हूं, आप इस कार्ड को लेकर आप बहुत सारा ट्रिक्स कर सकते हैं। जैसे कि हमने वीडियो में 2-3 मूव करके दिखाया, ऐसे आप भी कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले जो प्रैक्टिस करना है वो है मिडिल फिंगर के माध्यम से कार्ड को हाथ के बीच में लाने का। ओके, ये सबसे बड़ा ट्रिक है इस मैजिक में। तो ये आपको अच्छे तरीके से जो है गाइस प्रैक्टिस कर लेना। तो गाइस, आशा करते हैं कि आपको ये ट्रिक अच्छे तरीके से पता चल गया होगा और आप भी इसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं और लोगों के साथ दिखा सकते हैं। बट उससे पहले मैं बता दूं गाइस, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, और कमेंट नहीं किया तो प्लीज कमेंट कर दीजिए। और चैनल पे नए हैं तो गाइस आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल कर लेना है, कि आगे जो भी मैं इस तरह का मैजिक ट्रिक्स वीडियो अपलोड करूं यूट्यूब पे, सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। और गाइस, अगर मुझे फॉलो करना चाहते हैं फेसबुक पेज पर या इंस्टाग्राम पे, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर आप जरूर चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए आज इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय। I'm so down.